If the median of x upon 5, x, x upon 4, x upon 2 and x upon 3 is 8, then the value of x is, देखो x greater than 0 है, इससे क्या फायदा होगा, इससे पता चल जाएगा हमें, इसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने में फायदा होगा. देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1. जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, तो x upon 5 क्या है, स्मॉलेस्ट. देन x upon 4, फिर आ गया x upon 3, फिर आ गया x upon 2 एंड इन द लास्ट x upon 1, यानी कि x. ये किस में हो गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए. अब इन्होंने कहा मीडियन इज 8, कितने नंबर्स हमारे पास, 5 हैं. अगर 5 नंबर होते हैं या ऑड नंबर्स होते हैं तो मिडिल टर्म जो होती है वही तो मीडियन होता है, तो मीडियन कितना हो गया, 8 हो गया. तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 20. बी इज द चॉइस. इन अ बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स इफ द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट हु पास्ड आर इतना, ये पास्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो पास्ड हैं. देन मीडियन मार्क्स ऑफ ऑल 15 स्टूडेंट्स, पहले से अरेंज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में. देखो पहले हमने 40 लिख दिया, सबसे छोटा 40 था, देन 50 आ गया, 50 के बाद 60 आ गया, थोड़ा ध्यान रखना, 60 के बाद हमारे पास आ गया 70 और एक और है 70, देन आ गया 75 के बाद 280 है हमारे पास. ये इसमें अरेंज में करने में दिक्कत हो जाती कई बार, 80 के बाद 90 आ गया एंड 90 के बाद आ गया 95. देखो मैंने पूरी प्रिकॉशन ली है लेकिन मैं फिर भी एक बार काउंट करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एग्ज़ाम में अगर तुम्हें एक मिनट फालतू लग रहा है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन तुम्हें आता हुआ गलत हो जाए वो बहुत बड़ी बात है, वो नहीं होना चाहिए. स्पीड अपने आप बन जाएगी अगर तुम्हारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो हमें क्या कहा, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 के दे रखे हैं, 5 इससे नीचे होंगे क्योंकि तो x1, x2 एंड x5, तो कितने हो गए, 15 हो गए. अगर 15 हैं तो 15 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, ये मिडिल टर्म होगी ना इसकी, कितनी होगी, 16, 8th टर्म. हमसे क्या पूछा था, देन मीडियन मार्क्स, मीडियन तो वही होती, इस तरह से निकलता 8th टर्म, 5 ही आ गए, 6, 7, 8, तो मीडियन क्या हो जाएगा, 60.